ભારતમાં કોરોના વાયરસનો ફેલાવો વધી રહ્યો છે, જે સરકાર અને લોકો માટે ચિંતાનો વિષય બની ગયો છે. કેન્દ્રીય આરોગ્ય મંત્રી ડોક્ટર હર્ષવર્ધને પત્રકાર પરિષદમાં ચોંકાવનારી વિગતો આપી છે કે ભારતમાં કોરોના વાયરસના 28 કેસ સામે આવ્યા છે, જેમાંથી ઇટાલીથી ભારતમાં ફરવા આવેલું ગ્રુપ આ વાયરસનો શિકાર બન્યું છે, જેમાં કુલ 16 પ્રવાસીઓના રિપોર્ટ પોઝિટિવ આવ્યા છે, સાથે તેમના બસના ડ્રાઈવરનો રિપોર્ટ પણ પોઝિટિવ આવ્યો છે. તો જાણીએ કેન્દ્રીય આરોગ્ય મંત્રી ડોક્ટર હર્ષવર્ધને શું માહિતી આપી. એક કેસ તેલંગાણામાં और जिनकी ट्रेवल हिस्ट्री है, एक की इटली से और एक की दुबई से, ये दो और केसेस हमारे पास पॉजिटिव अभी इंडिया के अंदर आए हैं. यानी अभी तक हमारे पास टोटल पॉजिटिव केसेस जो भारत में अभी तक टेस्टिंग में पॉजिटिव आए हैं, उनकी संख्या 5 हो गई है. आपकी जानकारी के लिए अभी तक पूरे वर्ल्ड में 66 देशों के अंदर कोरोना वायरस के केसेस पॉजिटिव पाए गए हैं, और जिसमें से 10 देशों में डेथ्स रिपोर्ट की गई हैं. इसमें जो चाइना से बाहर जो डेथ्स हैं उनकी संख्या 139 है, और चाइना के अंदर जो डेथ्स के केसेस हैं उनकी संख्या 2912 है. इसमें एक और जानकारी भी मैं शेयर करना चाहता हूं कि जो चार स्थान जहां से चाइना के बाहर ज्यादा केसेस आ रहे हैं वो है साउथ कोरिया, इटली, ईरान और जापान. अभी हम ने जैसे आपको पहले भी सूचित किया था, शुरुआती दौर में हम लोग कुछ कंट्रीज की यूनिवर्सल स्क्रीनिंग कर रहे थे अपने देश में एयरपोर्ट्स पर और दूसरे स्थानों पर. अभी हम 12 देशों से आने वाले पैसेंजर्स जो हैं उनकी यूनिवर्सल स्क्रीनिंग कर रहे हैं. इसमें शुरुआती दौर में आप जानते हैं कि चाइना, सिंगापुर, थाईलैंड, हांगकांग, जापान और साउथ कोरिया से आने वाले लोगों की यूनिवर्सल स्क्रीनिंग हो रही थी, जिसमें सब्सिक्वेंटली हमने वियतनाम, मलेशिया, नेपाल, इंडोनेशिया, ईरान और इटली को ऐड किया है. यानी अभी 12 देशों से आने वाले पैसेंजर्स की ये इसके भी एयर मार्क एरो ब्रिजेस हैं जिनके माध्यम से ये आते हैं एयरपोर्ट पर, हम इनकी स्क्रीनिंग कर रहे हैं. 21 एयरपोर्ट्स पर स्क्रीनिंग हो रही है, 12 मेजर सी पोर्ट्स पर स्क्रीनिंग हो रही है और 65 माइनर सी पोर्ट्स पर स्क्रीनिंग हो रही है. जो एयरपोर्ट्स पर स्क्रीनिंग हुई है वो अभी तक जो लेटेस्ट हमारे पास फिगर्स हैं उसके हिसाब से 557,431 पैसेंजर्स की स्क्रीनिंग हमारे मेजर एयरपोर्ट्स के माध्यम से, जो 21 एयरपोर्ट्स हैं उनके माध्यम से हुई है, और जो माइनर और मेजर जो सी पोर्ट्स हैं इनके माध्यम से, यानी 12 सी पोर्ट्स मेजर हैं और 65 माइनर सी पोर्ट्स हैं, इन सब में मिला के 12,431 पैसेंजर्स की स्क्रीनिंग हुई है. जैसा कि हमने आपको बताया था कि हम नेपाल के साथ जो जुड़े हुए बॉर्डर्स हैं 5 स्टेट्स के, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, बंगाल और सिक्किम, वहां पर हम लोग बॉर्डर्स पर स्क्रीनिंग कर रहे हैं. तो अभी तक उन बॉर्डर्स पर 10,24,922 लोगों की अभी तक हम स्क्रीनिंग कर चुके हैं. और साथ में ये भी आपको बताया था पिछले समय में हमने कि इन बॉर्डर्स के पास की जो गांव हैं उनके अंदर जो ग्राम सभाएं हैं उनकी भी कंटिन्यूअसली हम लोग मीटिंग्स कर रहे हैं, और
ऐसी हम लोग 3,695 ग्राम सभाएं उनको हम लोग ऑर्गेनाइज कर चुके हैं। अभी तक जो सैंपल्स हमारी लेबोरेटरीज में सारे मिला के क्यूमुलेटिव टेस्ट हुए हैं उनमें 3,217 सैंपल नेगेटिव आए हैं, 5 सैंपल पॉजिटिव आए हैं, जिसमें जैसा अभी बताया कि 3 पहले केसेस हुए थे तो पॉजिटिव आए हमारे पास आए हैं, और 23 हमारे पास अंडर टेस्टिंग है यानी जिनकी रिपोर्ट अवेटेड है। इसमें से ये तो आपको मैंने बताया कि 3 घर जा चुके हैं और 2 जो है जिनकी ये ट्रैवल हिस्ट्री थी इटली और दुबई के साथ जुड़ी हुई वो अभी पॉजिटिव है। अभी हमारी शुरुआत में जैसा एनआईवी पुणे से शुरू किया था हमने 15 अपनी लैब्स को ऑपरेशनल कर दिया था। शुरुआत में हमने आपको बताया था कि हमारे पास हमने तैयारी की है कि 15 से 50 लैब्स तक हम किसी समय जरूरत पड़ने पे अपने लैब्स को ऑपरेशनल कर सकते हैं, तो अभी हमने ऑलमोस्ट 19 और लैब्स को आने वाले 1-2 दिनों में और फंक्शनल करने के लिए तैयारी कर ली है और इसके लिए निर्णय लिया है। ट्रेवल एडवाइजरी के बारे में आपको बताया था कि हमने जो एग्जिस्टिंग वीसा है इंक्लूडिंग वीसा जो है ये चाइना और ईरान के संदर्भ में तो दे ऑलरेडी दे स्टैंड सस्पेंडेड, और अभी आज हमने ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग किया था उसमें हम लोगों ने ये तय किया कि जैसे जैसे और दूसरे देशों में भी जैसे जैसे कंट्री सिचुएशंस इवॉल्व करेंगी उसके हिसाब से द रिस्ट्रिक्शंस मे बी फर्दर एक्सटेंडेड टू अदर कंट्रीज ऑल्सो। हमारा जो एम्बेसी के ऑफिशियल्स हैं एक्सटर्नल अफेयर्स के लोग हैं वो ईरान के ऑफिशियल्स के साथ जो है वहां के साथ जो ट्रैवल के संदर्भ में जो एडवाइजरी वगैरह है और ट्रैवल के संदर्भ में जो हमें फॉलो करना है किस प्रकार से प्रोटोकॉल्स उसके बारे में दे आर कंटिन्यूसली इन टच। हम लोग जो इंडियंस हैं उनको विशेष रूप से एडवाइज करना चाहते हैं कि विशेषकर ईरान इटली कोरिया और सिंगापुर इन स्थानों पर जितना भी नॉन एसेंशियल ट्रैवल है उसको वो लोग पूरी तरह से अवॉइड करें। लगभग 1 फरवरी से लेकर और अब तक जो लोग ईरान से आए हैं ऐसे 1,186 लोगों को हमने उसको कम्युनिटी सर्वेलेंस पर भी रखा हुआ है। ये मोटे तौर पर ये लेटेस्ट अभी जानकारी है जो हम चाहते हैं कि आपके साथ शेयर करना, और सारे देश के लोगों को केवल हमारा ये कहना है कि इस संदर्भ में पहली बात तो कोई हम किसी तरह के पैनिक सिचुएशन में ना पड़े। आप सबके माध्यम से भी लोगों को ये कहना चाहते हैं कि कोई भी हमें ऐसा सिम्टम कोई भी ऐसी रिलेटेड हिस्ट्री लगती है कोई बुखार का सिम्टम है कोई अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का गले का खराब होना है चोट चोट है जुकाम इत्यादि होता है रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी होती है इन सब चीजों की तो वेयर एवर इन डाउट तो सिस्टम के साथ संपर्क करें। हमारी जो टेलीफोन लाइन है उसके ऊपर कोई भी क्वेरी कर सकते हैं, और इसके साथ साथ जो है खासकर जो पर्सनल हाइजीन वगैरह है जो बार बार एम्फेसाइज किया जाता है और हम लोग थोड़ा और भी ज्यादा एक्सटेंसिवली जो है ये जो सारे वैसे तो जितने भी टूल्स हैं उनका इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन और ज्यादा एक्सटेंसिवली लोगों को हम लोग एडवाइज करेंगे कि भाई जो हाइजीन इत्यादि की प्रिकॉशंस हैं और हाथ की सफाई रखना हाथ को मुंह तक ना ले जाना आपको तक ना ले जाना और कम्युनिटी के अंदर जो है किस प्रकार का हमारा बिहेवियर हो सकता है उसके बारे में ध्यान रखना, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें और जहां भी कहीं हमें कोई भी
संदेह की गुंजाइश लगती है तो वहाँ सिस्टम को जरूर सूचित करें। आप लोगों के माध्यम से भी हमारी यही अपेक्षा है कि जो आवश्यक जानकारियां हैं वो हम समाज को देते रहें। सरकार की तरफ से हाईएस्ट लेवल पर सारी चीजों को निरंतर मॉनिटर किया जा रहा है। जैसा कि पहले भी बताया था हमने कि स्वयं प्राइम मिनिस्टर हर एक चीज के ऊपर पैनी निगाह रखते हैं और कैबिनेट सेक्रेटरी लगातार मीटिंग्स करते हैं। हमारे यहाँ हेल्थ मिनिस्ट्री में चीजें मॉनिटर होती हैं। जो हेल्थ सेक्रेटरी है वो भी लगातार सभी स्टेट्स के हेल्थ के लोगों के साथ बातचीत करती हैं। कैबिनेट सेक्रेटरी चीफ सेक्रेटरीज के साथ लगातार बातचीत करते हैं। हमारे जितने भी संबंधित सभी मंत्रालय हैं, होम मिनिस्ट्री है, डिफेंस मिनिस्ट्री है, एविएशन मिनिस्ट्री है, सिविल एविएशन या शिपिंग मिनिस्ट्री है, दूसरे जितने भी और संबंधित कॉमर्स मिनिस्ट्री, फार्मास्यूटिकल्स मिनिस्ट्री, इन सबके मिनिस्टर्स और अधिकारी, इन सब लोगों के साथ हम लोग बराबर रेगुलरली टच में हैं। जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट हैं या N95 मास्क है या जो आवश्यक दवाइयाँ इत्यादि हैं, आदमी फार्मास्यूटिकल मिनिस्ट्री से सबसे हम लोगों ने UM में भी बात की है। उसके लिए जो आने वाले समय के लिए अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती है कि तकलीफ किसी भी कारण से पड़ती है कोरोना वायरस से जुड़ी, तो उसके लिए भी हम लोगों ने पर्याप्त जो है एडवांस में सब प्रकार की तैयारियां करके रखी है। और सारे दुनिया में क्या हो रहा है उसके ऊपर भी हम लोग पैनी निगाह रखे हुए हैं और उसके संदर्भ में जो समय समय पर हमें अपने डिसीजंस को मॉडिफाई करना है, एम्प्लीफाई करना है या ज़्यादा फोकस करना है किसी पर्टिकुलर दिशा में, वो भी हम लोग समय समय पर कर रहे हैं और सारी चीज़ों को आपके साथ लगातार शेयर कर रहे हैं। मैंने बताया ना कि देखिए जो जो भी लोग इसमें लगभग एग्जैक्ट 25 सर क्वारंटाइन तो 124 जो जापान से आए हैं और 112 जो वुहान से आए हैं वो हमारी क्वारंटाइन फैसिलिटीज जो मैंने सर और IT कामला में है वहाँ पे क्वारंटाइन है। बाकी जैसे सर ने बोला कि हमने होम आइसोलेशन डिवाइस किया है, सर ने आपको नंबर्स बताए, उसके अलावा कुछ हमारे हॉस्पिटल्स में है उसका भी सर ने आपको नंबर बताए। सो दिस इज द कैटेगरी ऑफ पीपल, अगर और डिटेल्स चाहिए तो। जैसे हमने जो यूज कर रहे हैं ना कम्युनिटी सर्वेलेंस, जैसे हमने आपको बताया कि 10 लाख से ज्यादा लोगों को मान लीजिए स्क्रीन किया है, उसमें से भी 25,738 लोग, क्योंकि एक बार एयरपोर्ट पे आने के बाद भी बहुत ज्यादा डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री, 35 लोगों को हम लोगों ने अपने जो इंटीग्रेटेड डिजीज सर्वेलेंस मैकेनिज्म है, सारे देश में हमारे डिस्ट्रिक्ट में स्टेट्स में सर्वेलेंस ऑफिसर्स हैं, सरकार की जो दूसरे स्टेट्स के हेल्थ डिपार्टमेंट्स हैं, उन सबकी मदद से उनके ऊपर नंबर एक हमने पैनी निगाह रखी हुई है, उनको होम क्वारंटाइन करने के लिए एडवाइस किया हुआ है, यानी वो अपने घरों में रहें और कोई भी तकलीफ होने पे वो हमारे सिस्टम को एडवाइस करें। जैसे हमने लास्ट टाइम भी बताया था, जहां पर भी कोई भी डाउट है उसकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करना, उसके साथ किसका संपर्क हो सकता है, अभी जो मान लीजिए और भी कोई केसेस आए हैं जैसे पॉजिटिव, इनकी सारी डिटेल कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग वगैरह ये सारी चीजें, तो करीब 25,000 से ज्यादा लोग अभी हमारे देश में इस समय कम्युनिटी सर्वेलेंस के अंदर है। एक बार ये नंबर मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ कि ये करीब ये जो हमारा हेल्पलाइन नंबर है ये है 011 तो ऑब्वियसली लगाना ही पड़ता है, 2397-8046। इसमें करीब 10 डेडिकेटेड लाइन्स है। अभी तक 6,300 कॉल्स हमारे पास इसके पास इस नंबर पर आई है, जिसमें से 698 जो है इंटरनेशनल कॉल्स भी आई है हमारे पास जानकारी मांगने के लिए, जो है डिफरेंट कंट्रीज के लोगों की जो क्लैरिफिकेशन मांगते हैं। एक हम लोगों ने एक
डेडिकेटेड मेल आईडी भी है ncov2019@gmail.com, इस पे लगभग हमारे 265 मेल्स आए हैं इंक्वायरी करने के लिए। ये लगभग मोटी मोटी इसके संदर्भ में जानकारी है। बाकी कोई भी रेलेवेंट जानकारी होगी तो हम समय समय पे आपके साथ, वैसे तो डेली इस तरह से रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते, लेकिन आपको हमारी जो हेल्थ मिनिस्ट्री के एडिटर से भी, PI के माध्यम से भी जो भी जानकारी होती है वो शेयर विद यू एवरी डे। आपको कभी भी किसी तरह की भी कोई और जानकारी की जरूरत है तो यू आर फ्री टू आस्क एनी वन ऑफ अस एनी डे, लेकिन जितनी जानकारी रोज जरूरी होती है उतनी जानकारी हम देते हैं। आज क्योंकि दो और पॉजिटिव केसेस भी आए थे, आज हमारी COM की भी मीटिंग थी, तो इसलिए आज हमने सोचा कि जो आज तक का अपडेट है प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं आपके साथ। एक मेरी एक आप सबसे हाथ जोड़ के विनती है कि एक तो जो पेशेंट्स पॉजिटिव होते हैं हम उनकी प्राइवेसी रिस्टोर, प्राइवेसी का ध्यान रखें। आपने पहले भी बहुत सहयोग दिया है हमें और अब भी आप जो क्वेश्चन पूछने लगे हैं कि कौन से अस्पताल में है, कहाँ से है, प्लीज वो मत पूछिए, हम नहीं जवाब देंगे। हम लोगों को दिखाना है सारे विश्व में कि वी कैन रिस्पेक्ट अवर पेशेंट, सो प्लीज प्लीज बेयर विद अस, नंबर वन। नंबर टू, अगर देखिए हम इमीडिएटली, ये सरकार भी आदेश था कि जैसे ही कोई पॉजिटिव हो या कोई भी न्यूज हो वो इमीडिएटली शेयर करें। हम आपसे इसी फीलिंग से हम आपके साथ शेयर भी कर रहे हैं। तो अगर और कोई क्वेरीज हैं तो आप मनीषा जो हमारी ADG हैं PIBQ, शी इज फुली इन्फॉर्म्ड, उनको भी फोन कर सकते हैं, मेरे को ऑफिस लाइन में कर सकते हैं, सर के ऑफिस में कर सकते हैं, तो हमारे MOS के ऑफिस में कर सकते हैं। तो ये भी आपसे एक विनती है। जैसे अभी हमने आपको बताया ना कि ईरान के साथ जो लोग ईरान के अंदर है, ईरान से जो वापस आने हैं तो उनके लिए क्या प्रोटोकॉल हो, वो आपको भी मैंने बताया ना, वी आर डिस्कसिंग ऑल द प्रोबेबल सिचुएशन विद द ईरान ऑफिशियल्स। और स्वाभाविक है कि अगर हमने पहले हर एक चीज को सिस्टमैटिक ढंग से साइंटिफिक उसको बैकअप देके सारी प्रिकॉशंस लेकर और सब प्रकार की सावधानियां बरतने के बाद अगर हम वुहान से दो बार जो है लोगों को, अपने इंडियंस को वापस लेकर आए हैं, हम जापान के अंदर जो है उसमें भी आपने देखा हमने जो नेशनल इंटरनेशनल प्रोटोकॉल है, बीमारी का प्रोटोकॉल है, सब फॉलो किया, क्योंकि उनको वहां पर शिप पर क्वारंटाइन किया गया। जैसे क्वारंटाइन का समय समाप्त हुआ उसके बाद जापान की शिप से आप जानते हैं हम लोग 124 लोगों को लेकर आए, जिसमें 5 जो है वो बाहर के देशों के भी थे, 119 हमारे इंडियंस थे। तो स्वाभाविक है कि जो बाकी इस तरह के ईरान में जो लोग हैं उनके बारे में भी हम लोग गंभीरता से विचार विमर्श भी कर रहे हैं, उसकी स्ट्रैटेजी भी वर्कआउट कर रहे हैं। तो जैसे स्ट्रैटेजी फाइनलाइज होगी तो आपको, जैसे बाकी चीजों को हमने शेयर किया है तो इसको भी शेयर करेंगे। Is there an estimate of people who are in Iran and Italy? अभी एग्जैक्ट नंबर तो देखिए जब सारी चीजें फाइनलाइज होंगी तो उसके बाद ही बता पाएंगे। ऐसे चाहे वो लाइक टू हेजर्ड गैस और समथिंग, बट वो जो भी होगा सब अभी नहीं, कोई चीज ऐसी नहीं कि जो ट्रांसपेरेंट नहीं है, सब कुछ आपके साथ एग्जैक्ट नंबर तो देखिए, जब जो एग्जैक्ट नंबर होता है तो एग्जैक्ट ही होता है, उसमें कोई अंदाजा नहीं किया जा सकता। जैसे जैसे हमारे पास जिस भी चीज की एग्जैक्ट जो भी जानकारी आएगी आपके साथ हम सब कुछ शेयर। तो होम क्वारंटाइन अगर कोई फॉलो नहीं करता है, मतलब बहुत लोग होते हैं लोग इसको हल्के लेते हैं, तो उसमें देखो भैया ये तो अभी कोई आदमी अगर है उसको अच्छी बात उसके इंटरेस्ट में हम बता रहे हैं तो फॉलो नहीं करता, तो लेकिन इसीलिए हमने कहा ना कि ये 25,000 लोगों के ऊपर बकायदा हमारा सिस्टम फोन भी करता है, उनसे बात भी करता है, उसको जो हम कह रहे हैं कि उन पर पैनी निगाह रखी हुई है वो इसीलिए रखी हुई है, उसका मतलब ही है पैनी निगाह रखने का। और सारे हमारे सर्वेलेंस ऑफिसर देश में उसके ऊपर मतलब बकायदा उनसे बात करते हैं, उनको पूरा गाइडेंस देते हैं, कुछ भी आपको सिम्टम डेवलप होता है तो आप तुरंत संपर्क करिए। आखिर ये इतने बड़े देश में ये पकड़ पा रहे हैं तो इसीलिए पकड़ पा रहे हैं ना, इतनी डिटेल्ड कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कर रहे हैं, उनको नजर रखे हुए हैं। आया तो डेट पता, कब डेट टेस्ट हुआ,
अभी जैसे ही उसका रिजल्ट आया आपको तुरंत बता दिया, कोई ये तो नहीं है कि वो महीनों पहले आ गया होगा आज उसका रिजल्ट पॉजिटिव आया। देखिए इतनी जानकारी आपको सब कुछ हमने शेयर कर लिया है, आप उसकी ज्यादा डिटेल में ना पड़े। आपको हमने बता दिया उसकी ट्रैवल हिस्ट्री है इटली से, आपको हमने दूसरे का बता दिया जो तेलंगाना में उसकी ट्रैवल हिस्ट्री है दुबई से, अब इससे ज्यादा हम आपको क्या बताएंगे। सर हाउ मेनी कॉन्टैक्ट्स हैव यू डिटेक्टेड सो फार ऑफ दिस न्यू केसेस? ये तो अभी इनके इनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग वगैरह का प्रोसेस इज ऑलरेडी ऑन, एज सून एज द होल प्रोसेस इज कम्प्लीटेड। लास्ट टाइम हमने आपको उन केसेस के बारे में बताया था ना, एक केस का 162 हमने कॉन्टैक्ट ट्रेस किए, तो जो चीज जब एक प्रोसेस में है तो उसको प्री मेच्योरली कोई उसकी बात करना तो ठीक नहीं होगा। वेरी एग्रेसिवली एंड वेरी मेटिकुलसली एंड वेरी कम्पिटेटली डूइंग एवरीथिंग पॉसिबल इवन फॉर द कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग ऑल्सो। सर ये बता सकते हैं आपको कि उनके फैमिली मेंबर्स को और जिन ऑफिस में वो काम करते हैं उन सबको कॉन्टेक्ट किया जा रहा है? बिकॉज ये तो अभी केसेस आए हैं, सो यू शुड अंडरस्टैंड रिजल्ट हैज जस्ट कम एंड आवर स्टेट्स आर इन ऑन द जॉब, जैसे कि सर ने बोला। ये अभी देखिए एक दो घंटे के अंदर अंदर ही इंडिया मेंबर से रिपोर्ट आई है, हम आपको जो है सूचित कर रहे हैं। एक की रिपोर्ट तो जीओएम की मीटिंग आई उसके बीच में हमारे पास रिपोर्ट आई, हमने उसी समय जो है अपने फोन पे रिपोर्ट आया, हमने उसी समय जो है जीओएम की मीटिंग के अंदर शेयर कर ली। तो हमारे को तो कोई आपसे वो करने का तो कोई कारण ही नहीं है। आप सर आपके द्वारा एक निवेदन ये करना चाहूंगी सर, सी नाउ वी हैव सीन कि दिस हैज स्प्रेड टू 66 कंट्रीज, सो देयरफॉर यू कैन प्ले अ वेरी एक्टिव रोल। तो आप अपने अपने चैनल्स के अंदर स्क्रोल शुरू करिए प्लीज, जैसे कि सर ने बोला कि आप हाइजीन रखिए, छींकिए तो रुमाल के अंदर, खांसी करें तो प्लीज अपने आप कवर करिए माउथ, हाथ धोएं और बहुत ज्यादा क्राउड्स में मत जाएं। तो ये जो हैं हमारी प्रिकॉशंस इन्फ्लुएंसा के लिए, प्लीज इनका आप स्क्रोल भी शुरू करिए। मैं मनीषा से भी रिक्वेस्ट करूंगी सर कि आईसी मटेरियल सबको दें ताकि वो प्रिंट मीडिया भी और विजुअल मीडिया भी देखता भी हूँ कि वहाँ पे हमारी अपील के बगैर भी वहाँ पे स्क्रोल वगैरह चलते हैं। तो आईसी हम लोगों ने हर एक भाषा में बनाए हुए हैं, सब है वो अलग अलग तरीके से हम उनको वो कर रहे हैं, डिसेमिनेट कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन को। तो आप लोग भी अगर अपने अपने सिस्टम्स के माध्यम से करेंगे तो कम से कम डूज एंड डोंट्स को जो है इतना ज्यादा लोगों को बताएंगे। बट हम लोग उसको इतना ज्यादा भी ऐसा नहीं करना चाहते कि लोग ऐसे पैनिक हो जाएंगे, हर गली में मोहल्ले में लोग समझने लगे कि कोरोना वायरस आ गया है। सर वेयर दिस पिक्ड अप थ्रू द कम्युनिटी सर्वेलेंस और वेयर दिस पिक्ड अप थ्रू एयरपोर्ट स्क्रीनिंग द न्यू केसेस? The new cases, both the cases, there was self-declaration, okay? And वो self-declaration जब होती है तो they are given the number of the our number and ISTP. They called up. In the second case, he had initially gone to a private hospital, but now he's in a government hospital. तो सबका एक फॉर्म भरवा रहे हैं ना आप जान रहे हैं, जो भी एयरपोर्ट उसमें फ्लाइट में आ रहे हैं सभी लोगों को सेल्फ डिक्लेरेशन डिटेल्ड फॉर्म भरना होता है, उसमें सारी इन्फॉर्मेशन होती है। डॉक्टर हर्षवर्धन, इफ वी ऑब्जर्व दैट पेशेंट्स विदाउट सिम्टम्स आर ऑल्सो ट्रांसमिटिंग द डिजीज, ओके, द नंबर ऑफ स्क्रीनिंग दैट इज कंडक्टेड एंड द नंबर ऑफ पेशेंट्स यू एडवाइज टू बी अंडर होम सर्वेलेंस are much lesser than the number of patients that are screened, okay? So what about the others who have actually come from those airports? What sort of process are you taking? देखिए जो भी लोग आ रहे हैं इनको एक जनरल एडवाइस तो उसके बारे में किया ही जा रहा है कि अपने घर में जाकर जो है अगर वो 14 से 28 दिन तक आराम करते हैं तो ये तो एक जनरल एडवाइस है, लेकिन जिसमें जरा सा भी कुछ भी संभावना है वो 25,000 लोगों को और भी ज्यादा डिटेल के अंदर, ऐसा नहीं वो 25,000 लोगों को कोई बीमारी हो गई है या उनको सिम्टम हो गया, लेकिन उनकी हिस्ट्री से उनके सेल्फ डिक्लेरेशन से उनसे बातचीत करने के बाद जो है किस किस को या किसी का साथ कोई कॉन्टैक्ट की संभावना है, तो वो 25,000 ऐसे हैं जिनपे बहुत एक्सक्लूसिव, लेकिन बाकी सब भी जो है हमारे नेटवर्क के अंदर है, कोई ऐसा नहीं नेटवर्क से बाहर है, इन्फॉर्मेशन सबके बारे में दी जा रही है सारे देश के अंदर, लेकिन ये 25,000 जो है इनपे बहुत ही ज्यादा मेटिकुलस और ज्यादा पहली निगाह है। सर इज इट पॉसिबल टू स्क्रीन ऑल द पैसेंजर्स इंस्टेड ऑफ ओनली सर्टेन कंट्रीज, बिकॉज व्हाट इज हैपनिंग इन द यूएस इज वेरी स्केरी विद अ लॉट ऑफ पेशेंट्स इन सियाटल गोइंग अनडिटेक्टेड एंड
देखिए ऐसा है ना कि कई बार इतना ज्यादा करने के चक्कर में अगर हम जो फोकस काम है उसके अंदर अगर किसी प्रकार की जो उसकी जो एक्यूरेसी है या उसका जो एक फोकस उसका जो अप्रोच है उसमें अगर डाइल्यूशन हो जाएगा तो हम ज्यादा मतलब ऐसा नहीं ज्यादा जरूरत पड़ रही है तो आखिर हमने ये स्टार्टिंग से वन कंट्री टू थ्री कंट्री फोर कंट्री नौ आठ बारह के हिसाब से करी है तो साइंटिफिकली सारे पैरामीटर्स और सारी चीजों को विचार करके एक्सपर्ट्स के हिसाब से हम शुरू में सात एयरपोर्ट से शुरू किया था अब ये तो एक्सपर्ट्स मिलके सब चीजें तय कर रहे हैं ना सारी चीजें जो है इसलिए आप उसकी टेंशन मत करो हम कोई किसी कंट्री के एंगल से कि कोई कंट्री क्या है कौन है इसके आधार पर भी हम तो अपने एकेडमिक और साइंटिफिक एंगल से सारे डिसीजन कर रहे हैं हमारे एक्सपर्ट्स among people also is with respect to the availability of drugs. Now that you know we are entering into a period which might get tough for the entire global pharmaceutical sector. Now that you had a second meeting with the GM, can you tell us something about I can tell you that in the meeting itself I had specifically asked the Department of Pharmaceuticals about this and they had assured me that we are right now we are fully prepared to handle the situation in the coming months. Sir, also with regards to like the disease, antiretrovirals and influenza drugs are prescribed as an experimental measure. Do we have enough stock in case of an emergency or this? These are lined to HIV drugs. Yes. Yes, we have the stocks, don't worry. But we have not used it for our first three patients. We have not used it. I would like to stress that. Okay. And our patients have recovered. देखिये इसके सब चीजों के बारे में सारे जितने भी सिस्टम हैं सबसे वी आर इन टच विद डब्ल्यूएचओ वी आर इन टच विद ऑल द गाइडलाइंस विद दैट एंड वी आर इन टच विद द इवॉल्विंग सिनेरियो ऑल ओवर द वर्ल्ड को सारी चीजों को मिला के जो जॉइंटली जो बेस्ट पॉसिबल निर्णय होते हैं और वो कोई ऐसा नहीं कि हम लोग कोई पॉलिटिकल लेवल पे कर रहे हैं दे आर बीइंग डिस्कस्ड अमंगस्ट द एक्सपर्ट्स और जो सर लास्ट टाइम व्हेन यू एड्रेस्ड अस यू सेड दैट वी हैव स्टॉक्स फॉर 2 मंथ्स एसेंशियल मेडिसिन स्टॉक्स देखिए मैंने मंथ्स के बारे में उनसे हमने अभी उनसे आज भी बात किया था अभी हमारी इमीडिएटली हमारे पास कोई इशू नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर जिस दिन प्रॉब्लम की कोई संभावना होगी उस दिन भी हम आपको वही बताएंगे जो हमारे को बताया जाएगा अभी हमने जो ये स्पेसिफिकली डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल से आज भी बात किया था तो राइट नाउ वी आर एडिक्वेटली प्रिपेयर टू हैंडल एनी सिचुएशन Sir, now that there's a case in Delhi, somebody has asked me this question, so I'm asking you, should people start using masks and all? I would not say कि सब लोग मास्क इस्तेमाल करना शुरू कर दें लेकिन जनरल प्रिकॉशंस तो अगर लेते हैं तो कोई दिल्ली में है या नहीं है वो तो ये जो प्रिकॉशंस है ये तो ओवरऑल भी किसी भी सिनेरियो में चाहे कोई वायरस है या नहीं है जुकाम होना है या इन्फ्लुएंजा होना है या H1N1 है या कुछ भी है सबके अंदर ये तो बेसिक प्रिकॉशंस होती है ना ये तो भी आप जब खांसी करते हैं तो आपको एटिकेट्स का भी पार्ट है कि आप उसको किसी के मुंह पे ना छीके जो है तो कम से कम थोड़ा रुमाल निकाल के रखने जो है उतनी अभी फिर भी देखिए आप हमने तो कहा भी नहीं उसके बावजूद भी बहुत सारे लोग अभी भी मास्क लगा के चलते ही हैं तो अभी हम ऐसा कोई मुझे पर्सनली ऐसे डॉक्टर ऐसा नहीं लगता है कि दिल्ली में ऐसा पैनिक करा दे कि सब जगह लोग मास्क लगा लगा के घूमना शुरू कर दें ऐसी जिस दिन कोई बात आएगी तो मैं सबसे पहले बोलूंगा मेरा प्रॉब्लम क्या है डॉक्टर के हिसाब से भी मुझे सोचना पड़ता है तो आपके सवाल के जवाब के हिसाब से भी सोचना पड़ता है पॉलिटिक्स के हिसाब से भी सोचना पड़ता है उसमें बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है तो अभी इसलिए कोई ऐसा जरूरत नहीं है पर थोड़ा लोगों को अवेयर रखें Thank you so much, sir. Sir, a group of people are going to meet you to ask you about giving directions, even to the Delhi state government, for setting up relief camps in the crime-stricken areas, because the nearest hospitals are temporary. Relief camps? Medical relief camps and... Relief camps for whom?
उसके बारे में यहाँ मैं कुछ बात नहीं कर रहा, देखो दैट्स नॉट द इशू टुडे, वो कभी कभी उसके लिए कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो वो ऐसा ही नहीं है कि वो एक सवाल के ऊपर जो है उसका जवाब होते हुए आई वुड नॉट लाइक टू टॉक अबाउट एनीथिंग एल्स एक्सेप्ट कोरोना वायरस टुडे, उस पर जब बात करेंगे तो फिर आराम से करेंगे। थैंक यू सो मच।